हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक न्यू चैप्टर यूनिट 4 केमिकल किनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर रेट ऑफ रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है रेट ऑफ रिएक्शन और केमिकल किनेटिक्स क्या है। तो यहाँ हम हेडिंग दिए हुए हैं, सबसे पहले तो यूनिट 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक न्यू चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है केमिकल किनेटिक्स, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है केमिकल किनेटिक्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केमिकल किनेटिक्स का मीनिंग क्या है। तो केमिकल किनेटिक्स जो है, चलिए यहाँ भी लिख दिए हैं उसी चीज़ को, केमिकल और किनेटिक्स यहाँ लिखे हुए हैं। केमिकल किनेटिक्स ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक केमिकल और एक किनेटिक्स। देखिए, केमिकल का मीनिंग होता है केमिकल रिएक्शन और किनेटिक का मीनिंग होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ जो है रिएक्शन जो है, कोई व्हीकल तो है नहीं कि उसमें स्पीड होगा, तो हम लोग स्पीड के प्लेस पर रिएक्शन के लिए हम लोग रेट का यूज करते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम लोग इस चैप्टर में जो केमिकल किनेटिक है इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हम लोगों को केमिकल किनेटिक्स चैप्टर में केमिकल रिएक्शन की स्पीड की स्टडी करनी है कि कौन किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा जो रिएक्शन होता है वेरी फास्ट होता है, बहुत सारा रिएक्शन जो होता है वेरी स्लो होता है। तो जिस रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा होगा वो फास्ट होगा, जिस रिएक्शन का स्पीड कम होगा वो स्लो होगा, और कुछ रिएक्शन जो है मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। तो इसमें जो है हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन के प्लेस पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि रिएक्शन का रेट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को यही देखना है कि जो रिएक्शन होते हैं, कि कुछ रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, कुछ रिएक्शन का रेट जो है स्लो होता है, और कुछ रिएक्शन का रेट मॉडरेट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो केमिकल किनेटिक्स है इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो केमिकल किनेटिक्स का देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखे हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन आर स्टडीड इज केमिकल किनेटिक्स। जो हमने बात समझाया आपको वही डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि पहला नंबर तो हमारा जो केमिकल किनेटिक्स है एक फिजिकल केमिस्ट्री का जो है एक ब्रांच है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं केमिकल किनेटिक्स को। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री हुआ उसका ये एक ब्रांच हुआ केमिकल किनेटिक्स। इसमें हम लोग किस चीज़ का स्टडी करेंगे तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे कि क्यों कोई रिएक्शन फास्ट होता है, कोई रिएक्शन स्लो होता है, क्यों मॉडरेट होता है। तो इसमें जो है उसके मैकेनिज्म का भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन जो है यही 3 टाइप का रिएक्शन होता है। पहला जो है फास्ट रिएक्शन, दूसरा जो है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा जो है मॉडरेट रिएक्शन। जो फास्ट रिएक्शन होता है वो अप्रोक्स 10^6 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है, 10^-6 सेकेंड टू कंप्लीट, 10^-6 सेकेंड टू कंप्लीट, यानी कि -10^-6 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। और इस टाइप के रिएक्शन किस में देखे जाते हैं, तो आयनिक रिएक्शन में देखे जाते हैं। जो आयनिक रिएक्शन होते हैं फास्ट रिएक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें आयन इंटरेक्ट होते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए कि हमने एक आयनिक रिएक्शन यहाँ ले रखा है, NaCl प्लस AgNO3 प्रोडक्ट बन रहा है आपका, AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। जो रिएक्टेंट है आपका NaCl, यह एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि Na पॉजिटिव आयन होता है और जो Cl है वो निगेटिव आयन होता है। AgNO3 भी एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि Ag पॉजिटिव आयन होता है और NO3 निगेटिव आयन होता है। और हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव वेरी फास्ट इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी ये Na जो पॉजिटिव है ये NO3 से बहुत वेरी फास्ट इंटरेक्ट करेगा और आपको NaNO3 प्रोडक्ट बनाएगा। और Ag प्लस जो आयन है वो Cl माइनस आयन से वेरी फास्ट इंटरेक्ट करेगा और ये AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा, क्योंकि जब आयन इंटरेक्ट होते हैं तो वेरी फास्ट इंटरेक्ट होते हैं। तो इस तरीका से जो आयनिक रिएक्शन होता है
फास्ट रिएक्शन होता है क्योंकि ये 10^-6 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड जो रिएक्शन है हमारा वेरी स्लो रिएक्शन, इसमें लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट लगता है, मतलब इसको कंप्लीट होने में लॉन्ग टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, कंप्लीट होने में लॉन्ग टाइम लगता है। इसका एग्जांपल हमने दे रखा है रस्टिंग इन आयरन, जैसे आयरन में जब रस्टिंग होता है तो काफ़ी टाइम लगता है, आपको ऐसा नहीं है कि एक मिनट दो मिनट या वन आवर टू आवर में उसमें पूरा के पूरा रस्ट लग जाएगा। आपको जो है एक आयरन का रड आपके पास है तो उसमें वन ईयर भी कम्प्लीटली रस्टिंग होने में हो सकता है, उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस तरीके से जो है यह एक वेरी स्लो रिएक्शन है क्योंकि लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, इसके लिए लॉन्ग टाइम लगता है आयरन में रस्टिंग के लिए। थर्ड जो है हमारा मॉडरेट रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन जो है यह ना फास्ट होता है ना स्लो होता है, या मॉडरेट होता है, यानी कि मॉडरेट टाइम टू कंप्लीट, इसको कंप्लीट होने में मॉडरेट टाइम लगता है। अब किस तरह का रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन होता है, तो मोलेक्यूलर रिएक्शन, मोलेक्यूलर रिएक्शन जो होता है वो मॉडरेट रिएक्शन होता है। इसका हमने एग्जांपल दे रखा है N2+3H2, जब रिएक्शन करता है तब प्रोडक्ट देता है 2NH3, अमोनिया प्रोडक्ट देता है। यह जो है एक मोलेक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि इसमें N2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल दे रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे N और N के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है, N2 में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, H2 में H और H के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है, NH3 में N और H के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहां पर रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है फिर प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड बनता है, तो इसमें कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें जो है आयनिक रिएक्शन के जैसा वेरी लो टाइम नहीं लगता है और ना ही रस्टिंग आयरन के जैसा लॉन्ग टाइम लगता है, ना स्मॉल टाइम लगता है ना लॉन्ग टाइम लगता है, इसमें एक मॉडरेट टाइम लगता है। यहाँ रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है और प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड बनता है क्योंकि NN के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट होगा, और H2 में H और H के बिटवीन सिंगल बॉन्ड डिसोसिएट होगा, और अमोनिया में एक न्यू बॉन्ड बनेगा, N और H के बिटवीन सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब देखिए हम तीन टाइप के रिएक्शन देखे, लेकिन क्या इस चैप्टर में केमिकल किनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करनी है, तो क्या ये किसी भी रिएक्शन के रेट का स्टडी इसमें किया जाता है? बिल्कुल नहीं। इसमें जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है इसका रेट का स्टडी इसमें नहीं किया जाता है क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन है, 10^-6 सेकेंड टू कंप्लीट, इतना फास्ट होता है कि ROR कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ROR का मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन, ROR रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट है इसको हम लोग डिटरमाइंड कर ही नहीं सकते हैं, इतना फास्ट होता है कि आप इसके रेट को डिटरमाइंड नहीं कर सकते हो। अब जो वेरी स्लो रिएक्शन होता है या लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, अब इसके रेट को तो डिटरमाइंड आप कर सकते हो बट इतना लॉन्ग टाइम लगता है कि वो यूजफुल नहीं रह जाता है। तो यहाँ जो है इसका रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज नॉट डिटरमाइंड, इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड किया ही नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि नॉट यूजफुल, यूजफुल नहीं रह जाता है। अब जो थर्ड रिएक्शन है हमारा वो है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन में मॉडरेट टाइम कंप्लीट होने में लगता है और इसी रिएक्शन के रेट का डिटरमाइन हम लोग करते हैं जो हमारा यूजफुल होता है। तो इसके जो है रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया जा सकता है या हम कह सकते हैं कि डिटरमाइंड किया जा सकता है
चलिए मेजर्ड भी ठीक था या डिटरमाइंड भी हम लोग लिख सकते हैं। डिटरमाइंड कर सकते हैं और ये यूजफुल भी होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि जो केमिकल किनेटिक्स चैप्टर है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन तो स्टडी करनी है मगर किसी भी रिएक्शन का रेट का स्टडी नहीं करनी है। इसमें ओनली मॉडरेट रिएक्शन के रेट का स्टडी करनी है। दैट इज हम कह सकते हैं कि मोलिक्यूलर रिएक्शन के रेट की स्टडी इस चैप्टर में करनी है। तो आप लोग इसको कॉपी करें